मिश्ताजेटिव, आपने हाल ही में जो काम शुरू किया है उसके लिए अपनी सोच व्यावहारिक रखें। पैसों की हालत आपको मजबूत रखेगी, ऑफिस में इज्जत बढ़ेगी और फायदा भी मिलेगा। कुछ लोग आपके लिए मददगार हो सकते हैं। किसी चलती समस्या का सकारात्मक और संतोषजनक समाधान निकल सकता है। रोमांस के लिए उत्सुक हो सकते हैं। नए कपड़ों की खरीदारी भी होने के योग है। नौकरी में खुद के प्रदर्शन पर ध्यान देना होगा। पैसों के काम से छोटी यात्रा हो सकती है। नेगेटिव, किसी बात के लिए किसी पर ज्यादा दबाव ना डालें। पैसों से जुड़े मामलों को लेकर आप कोई भी फैसला ना लें तो ही अच्छा है। निवेश के मामलों में आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। दूसरों के साथ सौदा करने में आप सावधान रहें तो ही अच्छा है। आज आप ऑफिस की राजनीति का शिकार भी हो सकते हैं। आज के हालात आपके काम में रुकावट बन सकते हैं। क्या ना करें, झूठ ना बोले। लव, आज आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। पार्टनर से सुख और खुशियां मिलेगी। नए दोस्त बनेंगे। करियर, नौकरी में आपका प्रदर्शन बेहतर रहेगा। ऑफिस का माहौल आपको परेशान कर सकता है। बिजनेस में भी फायदा हो सकता है। इंटरव्यू भी अच्छा रहेगा। कॉमर्स और मेडिकल फील्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है। हेल्थ, सेहत को लेकर सावधान रहे। मौसमी बीमारियां हो सकती हैं। वृषभ, बेरोजगार लोग नौकरी की तलाश की दिशा बदल सकते हैं। थोड़ा समय आपके अनुकूल होगा। आपके साथ आज सुखद घटनाएं भी हो सकती हैं। रोजमर्रा के कामों से फायदा होगा। कोई शुभ चिंतक जो सलाह दे उसे मान ले। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। यात्रा का कोई कार्यक्रम भी बन सकता है। प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतेगा। खुद को नियंत्रण में रखें। नियम और मर्यादा में रहें तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। अविवाहित लोग प्रेम में थोड़ा संयम रखें। परिवार के किसी एक सदस्य के बारे में आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अपना व्यवहार सकारात्मक रखें। बस अपने ही काम पर ध्यान दें। नेगेटिव, कुछ कामों में आप अति कर सकते हैं। ये आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। पैसा उधार देने से बचें, वरना उलझ सकता है। क्या ना करें, किसी भी महिला या लड़की का दिल ना दुखाएं। लव, खुद को नियंत्रण में रखें। दिन अच्छा बीतेगा। पार्टनर के साथ समय बीतेगा। करियर, ऑफिस और बिजनेस में सहयोग मिल सकता है। बेरोजगार, नए सिरे से नई दिशा में रोजगार की कोशिश करें। हिम्मत रखें, सफलता मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए दिन सिर्फ मेहनत करवाने वाला रहेगा। पुरानी मेहनत का अच्छा नतीजा भी आज मिल सकता है। हेल्थ, दिन भर की दौड़ भाग से बदन और सिर दर्द हो सकता है। थकान महसूस हो सकती है। आराम करें। मिथुन, पॉजिटिव, नौकरी धंधे के मामले में कुछ बदलाव होने के पूरे योग बन रहे हैं और इनमें आपका करियर भी शामिल है। अपने मन की बातें किसी से शेयर करना चाहते हैं तो करें, इससे आपको ही फायदा होगा। परिवार की कोई अनबन खत्म हो सकती है। परिवार के बाहर भी आपको कुछ लोगों के साथ अपने मामले सुलझाने पड़ सकते हैं। दिन अच्छे से बीत जाएगा। आपके आसपास क्या चल रहा है इस पर निगाह रखें। आज आपको विचारों और मन में बनी धारणाओं से बाहर निकलने की जरूरत है। शांति से अपने बारे में विचार कर लें। नेगेटिव, किसी खरीदारी को लेकर सावधान रहें। चंद्रमा के कारण उठापटक हो सकती है। परेशानी भी बढ़ सकती है। कोई भी काम सावधानी से करना होगा। कोई अनजाना डर भी आपको परेशान कर सकता है। पैसों के मामलों में सावधान रहें। दुश्मन आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। आपका खर्चा भी बढ़ सकता है। क्या ना करें, सूर्यास्त के समय कुछ ना खाएं पिएं। लमन में मिली जुली भावनाएं रहेंगी। विवाद में ना पड़े। प्रेम मिलने से खुशी मिल सकती है। करियर, दोहरे विचारों को लेकर काम में मन नहीं लगेगा। फैसला करना भी मुश्किल हो सकता है। मन पढ़ाई में कम लगेगा। एक्स्ट्रा एक्टिविटी होगी। हेल्थ, पेट के रोग और मानसिक तनाव रहेगा। कर्क, पॉजिटिव, जोखिम भरे कामों में किस्मत का साथ मिल सकता है। आज आप थोड़े सफल भी रहेंगे। नया मौका मिले तो उसे जाने ना दें।
कुछ अच्छी स्थिति भी आपके साथ बन सकती है। कॉन्फिडेंस रखें, लेकिन विनम्रता के साथ आगे बढ़ना होगा। ज्यादातर समस्याओं का समाधान जल्दी ही हो जाएगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। आसपास की जगहों पर यात्रा हो सकती है। आपका पैसा भी कहीं नहीं अटकेगा। ज्यादातर काम समय से पूरे हो जाएंगे। कोई बड़ा फैसला भी लेना पड़ सकता है जो कि कार्यक्षेत्र से जुड़ा होगा। अनुभवी लोगों से सलाह लेनी चाहिए, फायदा मिल सकता है। पैसों के मामलों में दोस्तों से सहायता मिलेगी। संतान और परिवार का सहयोग भी मिलता रहेगा। फायदे के मौके मिलेंगे। नेगेटिव, आपको कुछ कामों में लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। कुछ कामों में आपको नहीं चाहते हुए भी समझौता करना पड़ सकता है। कामकाज और मेहनत भी ज्यादा रहेगी। आपको कुछ कामों में मेहनत के हिसाब से पैसा कम मिल पाएगा। क्या करें? विष्णु जी को तुलसी पत्र चढ़ाएं। लव, आपको प्रेम का जवाब प्रेम से ही मिलेगा। किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो कर दें। नए संबंधों की शुरुआत भी हो सकती है। करियर, निचले वर्ग के लोगों से सहयोग मिलेगा। फायदे के मौके मिल सकते हैं। बिजनेस में नई योजनाएं भी सामने आ सकती हैं। स्टूडेंट्स मेहनत ज्यादा करेंगे लेकिन फल कम मिलेगा। हेल्थ, छोटे रोगों को हल्के में ना ले, परेशानी बढ़ सकती है। नाक कान में समस्या हो सकती है। सिंह, पॉजिटिव, नए निवेश के लिए सितारों का साथ मिल सकता है। आपके लिए दिन शुभ है। पैसों के संबंध में अच्छी खबर मिल सकती है। इस बारे में किसी से चर्चा ना करें। अपनी क्षमताओं पर आपका भरोसा बढ़ेगा। दृढ़ निश्चय और आपके साथ मौजूद ऊर्जा के दम पर आप अपने महत्वपूर्ण मामलों को आसानी से निपटा सकते हैं। कोई मौका ना चूके। परिवार के लोग आपसे खुश हो सकते हैं। आपके सोचे हुए काम भी पूरे हो जाएंगे। महत्वपूर्ण काम पूरे होने के भी योग बन रहे हैं। सितारे आपके साथ हैं। आप सफल रहेंगे। नेगेटिव, कुछ लोग आपसे जलन की भावना रख सकते हैं। आज कुछ लोग आपकी मदद करने में भी आनाकानी कर सकते हैं। नौकरी और बिजनेस में फायदे वाले कुछ अच्छे मौके भी आप चूक सकते हैं। दिन भर की व्यस्तता के कारण थकान हो सकती है। क्या करें? गुलाब का फूल साथ रखें। लव लाइफ में कामकाज की व्यस्तता बीच में आ सकती है। प्रेमी के साथ जितना समय गुजार सकते हैं गुजार लें। करियर, ज्यादा कमाने के लालच में आकर शेयर सट्टे में पैसा ना लगाएं। स्टूडेंट्स को सहयोग नहीं मिलने से परेशान हो सकते हैं। हेल्थ, नींद की कमी और थकान से आंखों की परेशानी हो सकती है। कन्या, पॉजिटिव, सोचे हुए ज्यादातर काम पूरे हो जाएंगे। आप में आकर्षण शक्ति बढ़ सकती है। किसी कार्यक्रम या घटना को लेकर आप उत्साहित रहेंगे। आपका कॉन्फिडेंस फले से और बढ़ जाएगा। धैर्य, लगन और ईमानदारी जरूरी है। थोड़ा संयमित रहे तो दिन बहुत अच्छे से बीतेगा। कोशिश करेंगे तो कठिन काम भी आसानी से निपटा लेंगे। कुछ नए और रोचक मौके मिल सकते हैं। दूसरों से मुलाकात में आपको नई बातें समझने का मौका मिलेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। दोस्त और भाइयों के सहयोग से सोचे हुए काम पूरे होंगे। कई जरूरी कामों में बदलाव हो सकते हैं। किस्मत भी साथ देगी। निवेश करने या किसी को आर्थिक मदद देने से पहले सलाह कर ले। नेगेटिव, आप किसी की बात और सलाह मानने के मूड में नहीं रहेंगे। भविष्य में होने वाली संभावनाओं को लेकर टेंशन हो सकती है। नींद की कमी के कारण परेशान भी रहेंगे। अनजान व्यक्ति की बातों में आने से बचें। क्या करें? ज्यादा स्पाइसी और तलागला खाना खाने से बचें। लव, आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिससे आप प्रभावित हो जाएंगे। पार्टनर से प्यार और सुख मिलेगा। करियर, पैसों का ध्यान रखें। नौकरी वालों को अधिकारियों से मदद मिलेगी। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है लेकिन समय की कमी के कारण परेशान हो सकते हैं। हेल्थ, आपकी सेहत भी सामान्य रहेगी। बदन दर्द और आलस्य रहेगा। तुला, पॉजिटिव, घर, परिवार और प्रेमी जनों को लेकर आप सक्रिय हो सकते हैं। अपने काम पर बारीकी से भी ध्यान दें। किसी अनुभवी की सलाह लेकर ही कोई जरूरी काम करें। गुप्त रूप से कुछ जरूरी कामकाज करने में सफल हो सकते हैं। यात्रा भी होंगी। आप कुछ ज्यादा ही भावुक हो सकते हैं।
जो काम अटक रहे हैं वो पूरे भी हो सकते हैं। समय ज्यादा मेहनत करने का है। साथ के कुछ लोगों से समय पर मदद मिल सकती है। नेगेटिव, आपको हर काम सावधानी से करना होगा। किसी को भी बिना मांगी सलाह ना दे। कोई मामूली गलती आपके लिए परेशानी पैदा कर सकती है। नौकरी में ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। अनचाहे खर्चे बढ़ सकते हैं। आप ऐसे रोगों से सावधान रहे जो हवा के जरिए फैलते हैं। किसी तरह के इन्फेक्शन का भी डर रहेगा। विचारों और भावनाओं में आक्रामकता आ सकती है। ज्यादा खर्चे और असफलता के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है। क्या करें? पीपल के पेड़ में हल्दी का पानी डालें। लव आप लव लाइफ के विवादों में ना पड़े तो ही अच्छा है। अविवाहित लोग ध्यान रखें, किसी को लव प्रपोजल ना भेजें, धैर्य रखें। करियर कार्यक्षेत्र में सावधान रहने के योग हैं। स्टूडेंट्स के लिए दिन अनुकूल है। पाठ्यक्रम पर ध्यान दें। जो समय पढ़ाई के लिए है उसे इधर उधर ना गवाएं। हेल्थ, भूख ना लगने और नींद की कमी से कमजोरी भी महसूस होगी। वृश्चिक, पॉजिटिव, अचानक धन संबंधित बड़ा फायदा हो सकता है। काम करने की इच्छा नहीं है तो भी काम में लग जाएं। परिस्थितियां आपके फेवर में हो सकती है। आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे तो लगभग हर चुनौती से निपट जाएंगे। दोस्तों से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। किसी सामाजिक कार्यक्रम में भी जाने का मौका मिल सकता है। किसी खास मामले में आपकी सोच बदल सकती है। परिवार को आपकी बहुत जरूरत रहेगी। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। पुरानी प्लानिंग से ही आपको धन लाभ हो सकता है। नेगेटिव, आज आप छोटी छोटी बातों में लोगों से उलझ सकते हैं। ऑफिस में तकनीकी और मशीनी मामलों में भी उलझ सकते हैं। इससे आपका समय भी खराब हो सकता है। आपके कुछ दोस्तों या साथ के लोगों का स्वभाव अजीब हो सकता है। पुराने रोग हो सकते हैं। एक्सीडेंट या चोट लगने की भी संभावना बन रही है। दुश्मन आप पर हावी हो सकते हैं। सावधान रहना होगा। अपनी योजना किसी से शेयर ना करें तो ही अच्छा है। क्या करें? तेल और काला नमक मिलाकर घर के बाहर रखें। लव, जीवन साथी और पार्टनर से गिफ्ट मिल सकता है। साथ समय बिताएंगे। घूमने भी जा सकते हैं। करियर, बिजनेस के लिए छोटी और फायदेमंद यात्रा का योग है। नई जिम्मेदारी मिल सकती है। नौकरी में दुश्मनों से परेशान हो सकते हैं। कैंपस में समय खराब हो सकता है। घर बैठकर पढ़ाई करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हेल्थ, पुराने रोग परेशान कर सकते हैं। चोट भी लग सकती है। धनु, पॉजिटिव, बिजनेस और कामकाज का विस्तार करने के लिए निवेश कर सकते हैं। कुछ फैसले आपको तरक्की और फायदा देंगे। जिन बेरोजगारों के पास रोजगार नहीं है उनके लिए दिन अच्छा है। कोई नौकरी भी मिल सकती है। बॉस आपके काम से खुश हो सकते हैं। आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है जो आपने पहले शायद कभी ना संभाली हो। समझदारी से काम करते रहे। बहुत से मामले आपके फेवर में रहेंगे। आज आप जो भी काम करेंगे उससे आगे चलकर आपको फायदा होगा। आप अपनी बात बहुत साफ ढंग से रखने की कोशिश करें। दूसरों की बात भी अच्छे से समझने की कोशिश करें। परिचित लोग आपकी मदद कर सकते हैं। आप समस्याओं को सुलझाने में भी सफल रहेंगे। सुख मिलेगा। कोर्टक चहरी के मामलों में जीत मिलेगी। मन खुश रहेगा। आर्थिक परेशानियां खत्म हो सकती है। नेगेटिव, काम का बोझ भी ज्यादा हो सकता है। समय कम पड़ सकता है। किसी भी बात को तोड़ मरोड़ कर बोलने से बचे। घुमा फिरा कर कोई बात कहने या समझने में गलती हो सकती है। इसका नुकसान भी आपको ही होगा। क्या करें? काले कुत्ते को तेल की रोटी दे। लव पार्टनर को आपसे फायदा होगा। लव लाइफ में संतुष्टि और तालमेल रहेगा। आप अकेले हैं तो पसंदीदा व्यक्ति से कांटेक्ट हो सकता है। करियर, रुका हुआ पैसा मिलने से परेशानी दूर हो सकती है। अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। नई जिम्मेदारी मिलेगी। पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाएंगे। दिन अच्छा है। हेल्थ, अपनी सेहत पर भी पूरा ध्यान दें। मौसमी बीमारियों के योग हैं। मकर, पॉजिटिव, नए अनुभव हो सकते हैं। आपका ध्यान दूर स्थान और वहां पर रहने वाले लोगों पर रहेगा।
वहां से जुड़े किसी काम काज के बारे में विचार कर सकते हैं। अपने निवास स्थान से दूर या विदेश से धन लाभ के योग बन रहे हैं। कुछ लोगों से आप अचानक दोस्ती कर सकते हैं। दोस्त और प्रेमी आपके लिए बहुत हद तक मददगार साबित होंगे। आपका काम धंधा भी अच्छा चलेगा। कोई नई और अच्छी आदत शुरू हो सकती है। जो बदलाव हो रहा है उसे स्वीकार करना होगा। अचानक यात्रा के भी योग बन रहे हैं। घर में माहौल खुशनुमा रहेगा। आपका टाइम भी अच्छा रहेगा। किसी बड़े मामले पर समझौता और सहयोग करने के लिए हर समय तैयार रहे। शुरू किए गए ज्यादातर काम पूरे हो सकते हैं। नेगेटिव, अपनी आदतों में कुछ बदलाव करना पड़ सकता है। किसी खराब आदत से आपको नुकसान हो सकता है। आप उसे छोड़ सकते हैं। मानहानि के भी योग बन रहे हैं। सावधान रहे, कुछ अनसुलझे सवाल भी आपके सामने आ सकते हैं। नौकरी बदलने का मन भी होगा। क्या करें, हल्दी और चंदन मिलाकर गाय को बिंदी लगाएं। लव, आज आप कहीं बाहर जा सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए अच्छा समय है। किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो कर दे। करियर, काम काज बदलने का मन बनेगा। नौकरी और बिजनेस में मन लगेगा। पढ़ाई में मन कम लगेगा। पुरानी गलती में सुधार करने की कोशिश करें। हेल्थ, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। पुरानी परेशानियां भी खत्म हो सकती है। कुंभ राशि, आज आपकी महत्वाकांक्षाएं चरम पर हो सकती है। एक बार जब आप काम शुरू कर देंगे तो सारी चीजें आपके नियंत्रण में आ सकती है। कार्यक्षेत्र में धन, पुरस्कार और सम्मान मिल सकता है। पैसों के मामलों में आपको दूसरों की सलाह पर चलने के बजाय अपने मन की बात सुनना चाहिए। कोई दोस्त आपसे पैसा मांग सकता है। परिवार वालों और दूर के रिश्तेदारों से फोन पर लंबी बात होने के भी योग हैं। उसे नियंत्रण में करें। आपका नजदीकी कोई व्यक्ति आपकी भावनाएं समझेगा और आपकी सहायता भी करेगा। नेगेटिव, आपके कारण किसी खास काम में देरी हो सकती है। फालतू खर्चा भी बढ़ने के योग है। आप कुछ ज्यादा ही बेचैन हो सकते हैं। सावधानी से काम करें और कामकाज की समीक्षा करें। थोड़ी सुस्ती रह सकती है और जिसकी वजह से परिवार के किसी सदस्य के साथ आपकी अनबन हो सकती है। चंद्रमा की स्थिति से अचानक नुकसान के योग बन सकते हैं। सावधान रहें। फालतू खर्चे भी बढ़ सकते हैं। क्या ना करें, खाना झूठा ना छोड़ें। लव, पार्टनर के साथ प्यार से पेश आए। वाद विवाद से बचें। प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है। करियर बिजनेस के मामलों में दिन अच्छा रहेगा। पुराना पैसा वापस मिल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए दिन सामान्य रहेगा। हेल्थ, पुराने रोग भी खत्म हो सकते हैं। कोई छोटी मोटी समस्या हो सकती है। मीन पॉजिटिव, रोजमर्रा के काम पूरे होने के योग हैं। धन लाभ होगा। आपको जिस बात या समाचार का इंतजार है वह मिल सकता है। आप में सकारात्मकता और जोश रहेगा। आपसे मिलकर कुछ लोग प्रभावित भी होंगे। रिश्तों के क्षेत्र में सुधार की गुंजाइश बाकी है। जीवन साथी या प्रेमी के साथ मामले सुलझेंगे। यह काम बहुत आसानी से भी हो जाएगा। बिजनेस करते हैं तो सफल हो जाएंगे। नए निवेश के बारे में विचार होगा। नए विचारों और नए तरीकों से उन्नति होगी। पुरानी समस्याओं का समाधान निकाल लेंगे। दुश्मनों पर जीत मिल सकती है। ऑफिस में मेहनत भी ज्यादा होगी। नौकरी में प्रगति होगी। संतान से सुख और आर्थिक सहायता मिल सकती है। विवाह के प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। नेगेटिव, कोई अनचाही घटना के भी योग बन रहे हैं। आलस्य के कारण आपके कुछ काम भी बिगड़ सकते हैं। मीन राशि के लोग आज थोड़े सावधान भी रहे। क्या करें, किसी मंदिर में इत्र दान दें। लव, निजी संबंधों में गंभीर मतभेद होने के योग बन रहे हैं। धैर्य रखें, यह समय भी बीत जाएगा। करियर, कार्यक्षेत्र और बिजनेस में दुश्मनों पर जीत मिलेगी। आपको कोई नया काम भी मिल सकता है। इंटरव्यू देने के लिए समय अच्छा है। स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी। हेल्थ, आलस्य त्याग दें वरना बड़ा नुकसान भी हो सकता है। Thank you.